महेंद्र सिंह धोनी की हुई वापसी तो क्या होगा केएल राहुल और ऋषभ पंत का भविष्य। भारतीय टीम के पूर्व कप्तान महेंद्र सिंह धोनी टीम में बाहर चल रहे हैं। उन्होंने विश्व कप 2019 के बाद कोई मुकाबला नहीं खेला है। विश्व कप के बाद ऋषभ पंत उनकी जगह वनडे और टी20 में विकेट कीपिंग कर रहे थे। अब केएल राहुल के पास यह जिम्मेदारी है। ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ वनडे सीरीज में वह कीपिंग कर रहे हैं। महेंद्र सिंह धोनी ने अभी तक संन्यास की घोषणा नहीं की है। अब आईपीएल के बाद भारतीय टीम में वापसी भी कर सकते हैं। टी20 में राहुल सलामी बल्लेबाजी कर सकते हैं, लेकिन वनडे क्रिकेट में नंबर 5 पर बल्लेबाजी करेंगे। रोहित शर्मा और शिखर धवन की जोड़ी अच्छा कर रही है, इसी वजह से उन्हें सलामी बल्लेबाजी का मौका मिलना मुश्किल दिख रहा है। अगर महेंद्र सिंह धोनी की वनडे टीम में वापसी होती है तो राहुल को प्लेइंग 11 से बाहर होना पड़ेगा। पैर जमा रहे केएल राहुल का अभी भी किसी फॉर्मेट में प्लेइंग 11 में जगह पक्की नहीं रखी है। टी20 में उन्होंने लगातार अच्छा किया है, लेकिन फिर भी धवन जैसे बड़े नाम को प्लेइंग 11 से बाहर करना मुश्किल होगा। अगर धोनी की वापसी नहीं होती है तो वह वनडे की तरह टी20 में मध्य क्रम में खेल सकते हैं। राहुल ने टी20 इंटरनेशनल क्रिकेट में नंबर 3 और 4 पर खेलते हुए शतक बनाया है। ऋषभ पंत टेस्ट के बाद अब वनडे में भी विकेट कीपिंग के दूसरे विकल्प बन गए हैं। महेंद्र सिंह धोनी की वापसी होती है तो वह तीसरे विकल्प हो जाएंगे। ऐसे में उन्हें टीम से बाहर भी होना पड़ सकता है। महेंद्र सिंह धोनी के भविष्य पर अभी तक कोई फैसला नहीं आया है। बीसीसीआई के कॉन्ट्रैक्ट लिस्ट से बाहर होने के बाद वह नेट्स पर बल्लेबाजी करते नजर आए हैं। आईपीएल में उनका बल्ला बोलता है और भारतीय टीम के दरवाजे उनके लिए फिर खुल सकते हैं। महेंद्र सिंह धोनी के बारे में आपका क्या कहना है, हमें कमेंट करके अपनी राय जरूर बताएं। चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। लेटेस्ट अपडेट के लिए सब्सक्राइब कीजिए और दबाइए इस बेल आइकन को।